आज से हम आरक्षण और उसके विभिन्न आयामों और उससे संबंधित कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एक विचार श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इस विचार श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए विभिन्न मौलिक अधिकारों की परिकल्पना करते हुए उन्हें मान्यता दी है और ये सारे मौलिक अधिकारों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, इनके एनफोर्समेंट के लिए उच्च न्यायालयों को रिट ज्यूरिसडिक्शन दिया है और माननीय उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 में विशेष शक्तियां दी। आरक्षण हमारे देश में जो मौलिक अधिकार समानता का है, समानता का जो मौलिक अधिकार है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, उसी की एक आवश्यक आवश्यक समानता को सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक रणनीति का हिस्सा है, अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। आरक्षण की परिकल्पना और आरक्षण का इंक्लूजन संविधान में आर्टिकल 16(4) में स्पष्ट रूप से जो किया गया वो इस सिद्धांत पर किया गया कि समानता समान लोगों के बीच होती है और जहां विषमताओं असमानताओं के कारण विभिन्न प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है, विभिन्न कारकों के कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति के आधार पर हो सकता है, जन्म के आधार पर हो सकता है, दिव्यांगता के आधार पर हो सकता है, जेंडर के आधार पर हो सकता है, और अब एक नया आयाम आ गया है आर्थिक विषमता के कारण हो सकता है। इन विषमताओं को दृष्टिगत रखते हुए इनका जिस दुष्प्रभाव जिन वर्गों पर पड़ता है उनको, उनके प्रतिनिधित्व को और उनके लिए समानता के अवसर सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था। और यह आरक्षण विशेष रूप से सरकारी रोजगार अर्थात केंद्र व राज्य स्तर व स्थानीय शासन के अंतर्गत जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उनके सार्वजनिक उपक्रमों में, सरकारी कंपनियों में, कॉरपोरेशंस में, उनमें ऐसे वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में अनुमन्य हुई है जिन वर्गों को किसी न किसी उक्त कारकों में या अन्य किसी कारक के कारण भेदभाव का सामना
करना पड़ा है, सामाजिक व्यवस्था के कारण, आर्थिक व्यवस्था के कारण। तो अगर हम ये कहें कि आरक्षण जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको समान अवसर प्रदान करने के लिए और समानता का अधिकार उनका सुरक्षित रखने के लिए एक संविधान निर्माताओं ने सरकार के पास एक सशक्त हथियार दिया। आरक्षण केवल नौकरियों में नहीं, आप देखेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आरक्षण शिक्षा संस्थानों में, प्रशिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था ऐसे वर्गों के लिए की गई। सबसे पहले हम संविधान के कुछ अनुच्छेदों पर बात करेंगे जो आवश्यक है। समानता का अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 14 में जो प्रतिपादित है वो यही है कि प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होगा और उसको समान रूप से कानूनी संरक्षण मिलेगा। और फिर आर्टिकल 15 में किसी प्रकार का भेदभाव, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि आदि के आधार पर वर्जित किया जाए। साथ ही अनुच्छेद 15(4) में सरकार को, एग्जीक्यूटिव को यह पावर दिया गया कि वे महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकें। आर्टिकल 16 हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आरक्षण के इशू पर। अनुच्छेद 16(1) में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समान अवसर सभी सिटीजन्स को देने की बात की, और आर्टिकल 16(4) में एग्जीक्यूटिव को पिछड़े वर्गों के लिए का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार के अंदर, शासन के अंदर आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान। तो आर्टिकल 16(4) में जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत संविधान लागू होने के साथ ही एससी एसटी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया गया जो अभी तक जारी है। हालांकि ये शुरू में 50 वर्ष के लिए था, लेकिन समय समय पर एक्सटेंड होता आ रहा है और अभी जारी है। ये तो एक्सप्लिसिट रिजर्वेशन 16(4) के तहत स्पष्ट रूप से प्रावधान था। कालांतर में सरकार ने यह महसूस किया कि असमानता या बराबरी से विकास केवल
जातिगत भेदभावों के कारण ही अवरुद्ध नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ग हैं जहां और कारक हैं जिनका मैंने भी चर्चा की, जैसे दिव्यांगता, जैसे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, पारिवारिक परिवार की जो परिकल्पना है, वही प्राचीन समय से, जिसमें मूल रूप से महिलाओं को परिवार की चार दीवारी में, घर की चार दीवारी में परिवार के काम करने का दायित्व दिया गया और उनको सेवा योजन के लिए बाहर निकलने की मूल धारणा से अलग रखा गया, तो उनका भी प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। तो उस जेंडर के आधार पर ये एक असमानता पैदा हुई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो उनके पक्ष में भी विभिन्न राज्यों में समय समय पर आरक्षण की व्यवस्था नौकरियों में की और शिक्षण संस्थाओं में भी की। तो सवाल ये उठा कि ये जो आरक्षण है और 16-4 में जो आरक्षण है, या सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि क्या सभी प्रकार केवल और केवल कोई किसी प्रकार का भी आरक्षण अनुच्छेद 16-4 में प्रदत्त शक्तियों या 16-4 के प्रावधान के अंतर्गत ही किया जा सकता है? ये सवाल माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% का आरक्षण किया गया, तब ये सवाल माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। और प्रस्तुत भी जो हुआ वो दिव्यांगों के रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि उस समय जब मंडल कमीशन लागू हुआ और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की व्यवस्था हुई, तब जो दिव्यांगों के पक्ष में 3% का ग्रुप सी डी में, समूह ग और घ में जो आरक्षण था, वो आरक्षण समाप्त कर दिया गया था जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू करते समय। और वो समाप्त इसलिए किया गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों में यह व्यवस्था दी थी कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं किया जा सकता, कुल आरक्षण 50% पदों से अधिक का नहीं हो सकता। और अगर ये 3% का आरक्षण जारी रहता तो निश्चित रूप से वो आरक्षण की सीमा 50% की लंग जाती, उसका उल्लंघन हो जाता। हमने संघ की ओर से बहुत प्रयास किया कि यह आरक्षण खत्म ना हो, लेकिन वो आरक्षण खत्म हुआ। और जब इंदिरा सानी का केस की याचिका और अन्य याचिकाएं इस आरक्षण को चुनौती देने के लिए या इस अधिसूचना को चुनौती देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर हुई, तो हमने भी नेशनल फेडरेशन ऑफ तरफ से एक इंटरवीनिंग एप्लीकेशन लगाई और उस इंटरवेंशन एप्लीकेशन के कारण न केवल हमारा आरक्षण रेस्टोर हुआ, बल्कि हमारे आरक्षण की प्रकृति और हमारा आरक्षण अनुच्छेद 16(1) में है यह सिद्धांत भी प्रतिपादित माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया।
अब हम आते हैं कि आरक्षण कितने प्रकार का है। आरक्षण मूल रूप से दो प्रकार का, एक वर्टिकल आरक्षण और दूसरा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। वर्टिकल आरक्षण कौन सा है? जो आर्टिकल 16(4) में, अर्थात सामान्य शब्दों में अगर मैं समझाऊं कानूनी पेचीदगियों से अलग हटकर, तो जो एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण है आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत, वो वर्टिकल आरक्षण है। इसका मतलब क्या कि इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको उस जाति या वर्ग का होना जरूरी है, अर्थात जाति डिटर्मिनेंट है जिसे एससी में शामिल किया गया हो, एसटी में शामिल किया गया हो या ओबीसी में शामिल किया गया हो, वो डिटर्मिनेंट होगी आपको उस आरक्षण का लाभ मिलने या ना मिलने। दूसरे शब्दों में, जो आधार है 16(4) का आरक्षण वो जाति विशेष है, जो एससी में शामिल होती हो या एसटी में शामिल होती हो या ओबीसी में शामिल होती हो, जैसी भी स्थिति हो, उसी संबंधित आरक्षण का लाभ उसको मिलेगा। जबकि दिव्यांगों का आरक्षण, वीमेन का आरक्षण, ये जातिगत बंधनों से मुक्त है। इस आरक्षण के अंतर्गत दोनों, अर्थात ओपन कैटेगरी के लोग और एससी एसटी ओबीसी के लोग, दोनों आ सकते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट अगर दिव्यांगों का आरक्षण है तो दिव्यांगता है, इस अगर महिलाओं का आरक्षण है तो महिला होना डिटर्मिनेंट है। और इस आरक्षण का आधार यह है, मान लीजिए दिव्यांगता को ले लें, कि दिव्यांग व्यक्ति अपनी श्रेणी में, चाहे जिस वर्ग को बिलोंग करता हो, ओसी हो मतलब जनरल कैटेगरी, या एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, अपनी श्रेणी में भी, अपनी जाति में भी, अपनी कैटेगरी में भी सबसे पिछड़े पायदान करता है दिव्यांगता के कारण। दिव्यांगता के कारण उसकी शिक्षा बाधित हो, उसका प्रशिक्षण के अवसर कम हुए और इसलिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी रोजगार। तो डिसेबल्ड का रिजर्वेशन ये कहकर नहीं किया जाएगा कि डिसेबल्ड जो है एक सीट एक वैकेंसी एससी डिसेबल्ड के लिए, ना, जो होता है अक्सर वो गलत है। आप अगर 100 वैकेंसीज विज्ञप्त हुई हैं तो 100 में से 3 आपको देनी है, अगर आप 4 हो गए और 4 में से भी एक एक अलग अलग 4 श्रेणियों में बटनी सेक्शन 34 के, उसमें कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, ओपन कैटेगरी का भी सेलेक्ट, डिपेंड करेगा आपकी मेरिट, जो डिसेबल्ड की सेपरेट मेरिट है उसमें जो मेरिट में आ रहा है सेलेक्ट हो रहा है आरक्षण के लिए उसका सिलेक्शन होगा। मेरिट का मतलब ये नहीं कि अगर कोई जनरल मेरिट में आ रहा है तो उसमें मैं आऊंगा, वो आरक्षण के लिए नहीं पाऊंगा। यही बात महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट्स अक्रॉस कास्ट, इट इज इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन।
तो हमारा आरक्षण आर्टिकल 16(1) अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी दो तरह का है, एक तो कंपार्टमेंटलाइज्ड रिजर्वेशन और दूसरा ओवरऑल हॉरिजेंटल। जैसे वीमन का रिजर्वेशन कई राज्यों में, वहां के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि कंपार्टमेंटलाइज्ड है, अर्थात मान लीजिए 12 रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो 12 रिक्तियां किस तरह बटेंगी, जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है उस हिसाब से, अर्थात 15% एससी को 12 का जो भी 15% बनता हो, 7.5% उनका, 7.5% एसटी का, 27% ओबीसी का और 50% बचा हुआ 50% ओसी का, अर्थात 12 में से 6 50% होता है वो ओपन कैटेगरी के लिए, और इसी तरह से 15% और 7% जो भी बैठता हो 27%, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तय होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे तय होगा कि अगर 6 ओसी वीमेन आनी है और वीमेन रिजर्वेशन के बेस आप कंप्लीट कर रहे हो तो महिला कर रही है, तो 6 ओसी कैटेगरी से लीजिए 12 में से, ओसी की कैटेगरी की 6 वीमेन की अलग मेरिट है। ऐसे ही एससी का भी जितना बनता होगा वो अलग मेरिट बनेंगे, एसटी का अलग मेरिट बनेगा, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह से सिलेक्शन होगा। दिव्यांगों के पक्ष में जो रिजर्वेशन है वो ओवरऑल रिजर्वेशन, इस तरह उसका बंटवारा नहीं, ओसी एससी एसटी ओबीसी नहीं, रूल 11 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रूल को आप देखें, उसमें स्पष्ट है कि आपको रिजर्वेशन और जो रोस्टर मेंटेनेंस है उसके संबंध में भी स्पष्ट है कि आपको रोस्टर देना है, कल बात करूंगा, आज केवल इतना बता रहा हूं। उसमें आपको ये, आप ये नहीं बांट सकते कि एससी ब्लाइंड, एसटी ब्लाइंड, ओसी ब्लाइंड ना, जितनी भी वैकेंसीज आपने नोटिफाई की रिजर्व उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लीट कर सकता है किसी भी श्रेणी का, फिर उसकी जो मेरिट में जो सेलेक्ट हो रहा होगा उसको सेलेक्शन के बाद जो जनरल रोस्टर, क्योंकि डिसेबल्ड का रोस्टर अलग बनेगा, जो जनरल रोस्टर है उस जनरल रोस्टर पे फ्यूचर वैकेंसीज के एडजस्टमेंट के लिए आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के रोस्टर पॉइंट पर आपको डाला जाएगा, और अगर उसकी वजह से रिजर्वेशन का 50% से एक्सीड हो जाता है तो फ्यूचर वैकेंसी में जहां भी एक्सेस हुआ है उसकी वैकेंसी उतनी कम करके फ्यूचर वैकेंसी में उतनी माइनस करके रिजर्वेशन अनाउंस हो। तो ये मैंने आपको आरक्षण के प्रकार बता दिए, आरक्षण की परिकल्पना बता दी, किस सिद्धांत पर आधारित है वो बता दिया, संविधान संबंधी प्रावधान बता दिए। कल हम रोस्टर पर चर्चा करेंगे, यदि
किसी का कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट के लिए आज जो बताया उस पर आप प्रश्न कर सकते हैं। चूंकि कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबका धन्यवाद। कल 7 बजे आगे की चर्चा के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब को पुनः बहुत धन्यवाद। Beef case.